नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 28 जून यानी रविवार के दिन पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में 3 मैचों की टेस्ट और T20 सीरीज खेलने जा रही है। इस दौरे के लिए 29 खिलाड़ियों का चयन किया गया था, लेकिन 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकल गए। अब खबर ये है कि बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ सपोर्ट स्टाफ इंग्लैंड के लिए निकलेंगे। वहीं जिन खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव आया है वो 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे, फिर कोरोना टेस्ट होगा और प्रक्रिया से गुजरने के बाद सभी को इंग्लैंड ले जाया जाएगा। आपको बता दें, पाकिस्तान का ये दौरा पहले 30 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन महामारी ने सभी दौरों में देरी कर दी। ऐसे में अगले महीने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 28 जुलाई तक समाप्त होना मुश्किल माना जा रहा है। ECB यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा सही समय पर की जाएगी। इंग्लैंड पहुंचने पर टीम वर्चेस्टरशायर में 14 दिनों के आइसोलेशन में रहेगी, इसके बाद टीम मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को टीम के 29 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर चिंता व्यक्त की थी। इन सभी 29 खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था। इसमें एकमात्र अच्छी खबर ये थी कि किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं थे और सभी के पास ठीक होने का समय है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम की अगुवाई अजहर अली करेंगे, वहीं बाबर आजम T20 सीरीज में पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में किसी भी टीम का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए विंडीज की टीम पहुंच चुकी है। 8 जुलाई से फिर से क्रिकेट शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं वो घर पर बैठकर मैच का आनंद उठाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।